कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो महेश भट्ट। महेश भट्ट ये नाम आज की तारीख में एक गाली के जैसा शब्द हो गया है। आज से करीब 10 साल पहले मेरे एक दूर के करीबी चचेरे दोस्त ने महेश भट्ट की तारीफ की थी। ये बात अचानक मुझे याद आ गई, तो मैंने क्या किया, मैंने उस दोस्त को कॉल लगाया और उससे मेरे 10,000 रुपए मांग लिए जो मैंने उसे कभी दिए ही नहीं थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, आजकल यही हाल महेश भट्ट का भी है। महेश भट्ट को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। हमारे देश की सड़कें बनती नहीं है, बनती हैं तो चलती नहीं है, और नगर पालिका वालों को प्रेरित करने के लिए महेश भट्ट ने सड़क 2 बना दी। लेकिन रिलीज होने से पहले ही सड़क 2 को कोरोना हो गया। जब सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ था उसके बाद से ही सड़क 2 क्वारंटीन में पड़ी हुई थी। वेंटिलेटर के नाम पर सड़क 2 के 2-4 गाने रिलीज किए गए ताकि सड़क 2 को थोड़ी बहुत सांस मिल जाए, लेकिन रिलीज होते ही सड़क 2 की डेथ हो गई। यूट्यूब पर ट्रेलर रिलीज से महेश भट्ट को जो 200-400 रुपए की कमाई हुई थी वो महेश भट्ट ने उठाकर रिया ताई को दे दिया। अब रिया ताई ने इन पैसों का क्या किया, रिया ताई ने गांजा फूंक लिया। और हम सबको पता है कि रिया ताई आज की डेट में सबसे बड़ी नशेड़ी है भाई। वैसे तो मैं दिल का बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत बुराई कर लेता हूँ भाई। मरने के बाद कोई तो ऐसा होना चाहिए कि जो मुझे गालियाँ दे सके कि भाई ये इकलौता इंसान था जो महेश भट्ट को, बेचारा जो इतना सीधा साधा इंसान था, सड़क 2 जैसी इतनी अच्छी फिल्म बनाता था, उसे गालियां देने का काम करता था। सड़क 2 के ट्रेलर को दुनिया भर से डिसलाइक मिले और भर भर कर मिले। डिसलाइक इतने मिले कि सड़क 2 का जो डिसलाइक का बटन था वो ही टूट कर बिखर गया। जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन भाई इतना कि IMDB में सड़क 2 को सिंगल रेटिंग मिलती है। भाई इससे ज्यादा रेटिंग तो मुझे मैथ्स में मिल जाया करते थे स्कूल के जमाने में। लेकिन एक बात और बता दूं आपको कि मैथ्स में मुझे आज तक 2.5 के ऊपर कभी मिला ही नहीं, हमेशा फेल होता रहा। वो गलती से मैं 10वीं का एग्जाम पास हो गया और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। वैसे तो सड़क 2 हॉटस्टार पर रिलीज हुई है, लेकिन किसी बेवकूफ इंसान को समाज सेवा करने की सूझी, लेकिन उसका समाज सेवा इतना घटिया होगा ये मैंने सोचा नहीं था। उसने क्या किया, सड़क 2 को सोशल मीडिया पर लीक कर दी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसे भरी दोपहरी में दिया लेकर खोजा गया, और वो इंसान मिला कहाँ, वो इंसान मिला सड़क 2 के पोस्टर पर मूत्र विसर्जन करते हुए। और मिलते ही हमने उसे क्या काम दिया पता है, हमने उसे मुंबई की सड़कों को ठीक करने का काम दे दिया है कि भाई तेरी यही सजा है। मतलब हद है यार, सड़क 2 वैसे ही कोई देखने को तैयार नहीं है, और ये भाई साहब ने भलाई के नाम पर सड़क 2 को सोशल मीडिया पर लीक कर दिया। हॉटस्टार पर जिन जिन लोगों ने सड़क 2 को देखा फिलहाल वो सबके सब कोमा में है और सरकारी अस्पताल में जमा है। यहाँ तक कि इनका जो स्वर्ग जाने का वीजा था वो भी कैंसिल करा दिया गया। सुनने में ये भी आया है कि सड़क 2 के पिट जाने के बाद महेश भट्ट अपने घर की दीवारों पर जगह जगह अपना सर पीट रहे हैं, और जब आलिया भट्ट ने ये देखा कि उनके पापा जगह जगह पर अपना सर पीट रहे हैं तो आलिया भट्ट से रहा नहीं गया। आलिया भट्ट महेश भट्ट के पास गई और बोली कि पापा ऐसा मत करो वरना आपके सर पर सड़क 3 निकल आएगी। तब जाकर महेश भट्ट को ये एहसास हुआ कि भाई सड़क 2 ने तो मुझे बर्बाद कर दिया है, अब सड़क 3 भी निकल आएगी तो यहाँ पर गाड़ियां चलने लगेगी। भाई रह रहकर महेश भट्ट पूरे घर में भटक रहे हैं और एक ही बात बोल रहे हैं कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। फ्यूचर भाई, यहाँ भरी जवानी में मैंने ये सोच लिया है कि मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया, और ये इंसान है 70 की उम्र में गिल्ली डंडा खेलने का प्लानिंग कर रहा है। भाई एक्सपायरी डेट के बाद तो दवा भी नहीं खानी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, लेकिन ये भाई साहब महेश भट्ट एक्सपायरी डेट के बाद भी भगवान से एक्सटेंशन पीरियड लेकर जिए जा रहे हैं। लाइफ लाइन के नाम पर महेश भट्ट को रिया ताई मिली, वो भी माल फूक कर मस्त है। अब सुनने में आ रहा है कि महेश भट्ट सड़क 3 नहीं बनाएंगे और ये उनका अंतिम फैसला है। अब महेश भट्ट ने पश्चाताप करने के लिए सच में मुंबई की सड़कों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। अब होगा कैसे, आलिया भट्ट घमेला उठाएंगी, पूजा भट्ट फावड़ा चलाएंगी, और राहुल भट्ट पीछे से रोड रोलर चलाएगा, और पीछे से बैकग्राउंड में एक गाना बजेगा, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर सड़क बनाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।